करते कुछ बार ऐसा हो चुका है कि सीमेंट को ही उसने पकड़ लिया, सीमेंट से 10-12 क्वेश्चन दे दिए। अरे यार आपके टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन सीमेंट के हैं, तो एक साल उसने 10-12 क्वेश्चन कॉन्क्रीट के पकड़ लिए, तो सीमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, और सीमेंट के क्वेश्चन की रेंज ही बहुत ज्यादा होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो सीमेंट के क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर आप सीमेंट के बहुत क्वेश्चन करा रहे हो, मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल करा रहा हूँ, बट मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ इस बात की, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, आने वाले कुछ सालों तक 5 साल 6 साल 10 साल ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके सामने। 10 साल में अगर आप बोलोगे क्या सर 10 साल में भी क्वेश्चन काम आएंगे, हाँ आएंगे, बट इसमें मुझे कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि सर क्या यही क्वेश्चन 10 साल बाद आएंगे, मैं बोलूंगा हाँ 10 साल बाद भी 80% क्वेश्चन तो यही मिलेंगे, बट 20% क्वेश्चन मुझे अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि तब तक एग्जाम का पैटर्न बदल चुका होगा और वो कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आपको देंगे जो मुझे कराने ही पड़ेंगे। तो हाँ अगर मैं 4-5 साल की बात करूं तो ये क्वेश्चन है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं आ रहा जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और सारे एग्जाम्स में से ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। दूसरा हर समय में हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 54 देखना। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहली बात हाई एल्यूमिना सीमेंट, हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीमेंट पढ़ लिए, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, या फिर आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या फिर ऑयल सीमेंट, या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तो हमने बहुत सारे सीमेंट पढ़े हैं, हर हर मतलब डिफरेंट टाइप के सीमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सबसे पहली बात क्वेश्चन में लिखा हाई एल्यूमिना सीमेंट, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं हाई एल्यूमिना सीमेंट कहां यूज होता है, सबसे पहली बात जहां पर एल्यूमिना वर्ड यूज हो गया वहां पर तो हीट आपको मिलनी ही है। अब इस दो चीजें होती हैं, जहां पर आपको हाई एल्यूमिना मिल गया वहां पर ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होगी, और ये भी बोल सकते हैं कि ये सेट जल्दी हो जाएगा, मतलब हार्डन जल्दी हो जाएगा। देखो जी दो सीमेंट ऐसे हैं, ध्यान से देखना, जिसमें एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा होता है, एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये दोनों सीमेंट सेम से लगते हैं, आपके दोनों सीमेंट में बहुत कंफ्यूजन होगा, ये दोनों सीमेंट एक्चुअली होता क्या है कि दोनों में हाई हीट होती है, चाहे हाई एल्यूमिना। देखो रैपिड, अगर मैं रैपिड हार्डनिंग की बात करूं तो रैपिड हार्डनिंग का यूज होता है जनरली रोड्स में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोड्स का कि हमें रोड्स जल्दी खोलनी पड़ती है, तो रोड्स के लिए हम क्या करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं। पर जरूरी नहीं है, आप बोलोगे कि सर जो इंडिया में रोड्स बनी है सब हाई एल्यूमिना सीमेंट से, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी आप बोलोगे सर इंडिया में जो सारी रोड्स बनी है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से, मैं बोलूंगा नहीं, OPC 53 OPC 43 इनसे बनी हुई है। अगर आप ये बोलोगे कि सर इंडिया में जो सीसी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स बनी हुई है क्या वो सारी की सारी हाई एल्यूमिना सीमेंट से बनती है, नहीं, कोई है, मैंने तो अपनी आंखों से आज तक हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हुए देखा नहीं, मैंने तो ओबीसी 53 को यूज करते हुए देखा है कि लोग, जैसे मैं कोटा में हूँ, कोटा में सीसी रोड्स बन रही है आजकल बहुत ज्यादा, तो वहां देखता हूँ ओबीसी 53 यूज हो रहा है ना, तो ओबीसी ग्रेड 53 यूज हो रहा है, तो मैंने तो देखा नहीं एक्चुअली हाई एल्यूमिना सीमेंट, मैंने प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा हाई एल्यूमिना। हाँ बोलोगे सर आपने स्लैग सीमेंट देखा है, मैंने स्लैग सीमेंट देखा है, मैंने व्हाइट सीमेंट देखा है, मैंने व्हाइट सीमेंट भी आपको हाँ एक डिफरेंट टाइप का सीमेंट कौन सा है व्हाइट सीमेंट, मैंने स्लैग सीमेंट देखा है, मैंने व्हाइट सीमेंट देखा है, मैंने पोर्टलैंड ठीक है पोज़ोलाना सीमेंट देखा है, और ओबीसी तो हर कोई देखता ही है, मैंने चार टाइप के सीमेंट देखे हैं, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग रोड्स में यूज होता है, ठीक है। हाई एल्यूमिना, अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा है, और जहां पर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा हो गया उसमें तो हीट ज्यादा आएगी। बट अगर हम बात डिस्कस करें स्ट्रेंथ की, ये दोनों सीमेंट अलग अलग जगह यूज होते हैं, अगर हम जनरली रैपिड हार्डनिंग की बात करें तो रोड पे यूज होता है, बट अगर मैं आपसे हाई एल्यूमिना बात करता हूं तो सबसे पहले ये यूज कहां पर होता है, जहां पर आपको नदी के अंदर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और आपको स्पीडली चाहिए, या फिर नाला बनाना है आपको, या फिर आपको ऐसी जगह पर सीमेंट यूज करना है जहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई एल्यूमिना है ना, आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिना ही इनिशियल सेटिंग को रोल, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड इनिशियल सेटिंग करता है, तो आप बोलोगे सर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, सर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ही तो करता है, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें तो हाई एल्यूमिना सीमेंट
कहां का यूज होगा, मरीन स्ट्रक्चर्स पर, पानी के अंदर जहां पे आपको जल्दी से स्ट्रक्चर को चाहते हो वो सेट हो जाए, वो हार्ड हो जाए, या सीवर लाइंस नाले जो होते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर आपका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, क्योंकि ये सीमेंट हाई टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर आपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करा वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक 50 डिग्री पर आप यूज कर रहे हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसमें क्योरिंग करते करते आप पागल हो जाओगे। क्योरिंग नहीं करोगे तो क्रैक्स पड़ जाएंगे, क्योंकि सीमेंट एक्सपेंड होता है। क्योरिंग नहीं करोगे और फिर वॉइड्स बन जाते हैं तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। क्योरिंग नहीं करोगे ओपीसी की, जहां पर मान लो जैसे मैं मान लू कि कोटा में मैंने 46 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर देख कर रखा, 46 डिग्री मतलब 46 डिग्री टेम्परेचर मैंने देख कर रखा हुआ है कोटा के अंदर, तो वहां पर ओपीसी अगर यूज करोगे तो क्योरिंग आपको बहुत यूज करनी पड़ेगी, तो वहां पर आप हाई एल्यूमिनियम सीमेंट यूज कर सकते हो। समझो मेरी बात, अब देखो ये आपको पता लग चुका है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कहां का यूज होता है। अब बात ये आती है कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टूगेदर अ मिक्सचर ऑफ, एक्चुअली इसकी कंपोजिशन इसने पूछी है, इसने यूजेस नहीं पूछे आपसे, इसने इस टॉपिक में आपसे यूजेस नहीं पूछे हैं, इसने इस टॉपिक में आपसे कंपोजिशन पूछी है। और आपको एक बात बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, देखो आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तो कंपोजिशन पढ़ लेते हो, बट आप दूसरे सीमेंट की कंपोजिशन नहीं पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम की, हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, देखो तीन चीजें लिखता हूं, ये तीनों सब क्या रखना, लाइम सिलिका एलुमिना, ये तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रखनी पड़ेगी, लाइम सिलिका एलुमिना, तीन चीजें, ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो है, तीन कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन में ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो है, ये आपको मैक्सिमम सीमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 60% से 64% ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम ही तो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। बट अगर हम बात करें हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट में, हाई एल्यूमिना सीमेंट में हमारा मेन, आप ध्यान से देखना मेरी बात, आपको बहुत चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, अगर आपने चीजें ध्यान से नहीं पढ़ी तो ये आपके सामने से निकल जाएगा। नाम क्या दर्शा रहा है यार, हमने 54 से चालू करा था ना या 52 से, चलो मैं एक बार देखूंगा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद हमने 52 से करा था, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एल्यूमिना ज्यादा है, नाम ही दर्शा रहा है, इसमें एल्यूमिना आपका बहुत ज्यादा होता है, 37% से 41%, आप बहुत ध्यान से देखना है, बहुत जबरदस्त बता रहा हूं मैं डिटेल आपको, आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो एल्यूमिना होता है वो कितना होता है, 37% से लेके 41% तक, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि सर आप इसमें ऐसा क्या मिला रहे हो, आपके मन में डाउट आ सकता है ना कि सर आप इसमें ऐसी क्या कंपोजिशन मिला रहे हो जिससे एल्यूमिना कंटेंट इतना ज्यादा हो रहा है। भाई साहब एक्चुअली होता क्या है, ये एल्यूमिना एल्यूमिना सब मिट्टी होती है, दैट मींस अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बात करता हूं हाई एल्यूमिना सीमेंट की, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसका मिल रहा है आपको, 37% से 41% आपको एल्यूमिना मिल रहा है। अगर हम लाइम की बात करें तो 36% से 40%, सिलिका की बात करें 3% से 8%, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में दम है, और ये जेई की क्वेश्चन है सारे के सारे अभी तक, अगर आप देख सकते हो तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिना है। अब ध्यान से देखना, ये जो एल्यूमिना हमें मिलता है वो मिलता है हमें बॉक्साइट से, बॉक्साइट से, BAUXITE। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने क्या बोला कि आप बस इन तीनों की कंपोजिशन पता रखो, इन तीन इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम सीमेंट्स का, और बच्चे तो ओबीसी ध्यान रख रहे हैं, अगर आप देखो तो यहां पर आपको मेजर क्या दिख रहा है, आपको एक दिख रहा है एल्यूमिना और एक दिख रहा है आपको लाइम। अगर मैं एल्यूमिना और लाइम की बात करूं तो ये मेरे को अच्छे परसेंटेज में दिख रहे हैं, 37 से 41%, 36 से 40%, अच्छे कंपोजिशन परसेंटेज में दिख रहे हैं, तो नो डाउट जो मेरा हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है वो इन दोनों को मिक्स करने से मेजर इंग्रेडिएंट्स जो मेरे हैं वो दोनों ही है। लाइम तो आपको पता ही है CaO, लाइम आपको पता ही है CaO, एक्चुअली लाइम नहीं होता, क्विक लाइम होता ही है, अभी मैं आपको लाइम भी पढ़ाऊंगा, सीमेंट के बाद हम लोग लाइम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सीमेंट के बाद हम लोग लाइम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, लाइम बच रहा है ना शुरुआत से लेकर आज तक, लाइम करेंगे इसके बाद। तो अगर हम बात करें तो CaO ठीक है, लाइम 36 से, अब देखो लाइम तो आपको पता है हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में लाते हैं, अब होता क्या है, जो एल्यूमिना ना ये आपको मिलता है बॉक्साइट से, हम ऐड करते हैं बॉक्साइट क्योंकि लिखा हुआ नहीं मिलता है। बॉक्साइट क्या होता है भैया, ऐसी चिकनी मिट्टी होती है बॉक्साइट, ध्यान से देखना, चिकनी तो क्या बोलूंगा, ऐसी मिट्टी होती है, स्पेशल क्ले होती है ये, जिसके अंदर हाई एल्यूमिना कंटेंट होता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें, स्पेशल क्ले, ये ऐसी क्ले होती है, क्ले होती है हैविंग हाई एल्यूमिना कंटेंट, हाई
एल्यूमिना कंटेंट। बॉक्साइट ऐसी क्ले है, क्ले मिट्टी है जिसके अंदर हाई एल्यूमिना कंटेंट होता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ लो, आप चाहो तो उस क्वेश्चन के नीचे लिखो, आप चाहो तो उस क्वेश्चन के नीचे लिख लो, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपको काम आएंगी। अब क्वेश्चन देख लो, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टूगेदर अ मिक्सचर ऑफ, सिंपल सा फंडा है, बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ लाइम एंड एल्यूमिना, सॉरी लाइम एंड एल्यूमिना, और एल्यूमिना में किससे मिलता है, बॉक्साइट से, जो कि स्पेशल क्ले होती है, इसके अंदर हाई, देखो इसने एल्यूमिना कहीं पर नहीं लिखा, क्योंकि एल्यूमिना में मिलता है बॉक्साइट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट नहीं सकते उस क्वेश्चन को, और एक बार मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्वेश्चन नंबर ये लिख लेते वापस एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपका, मैंने 52 कहां तक छोड़ा था मैंने, मेरे को एक बार देख लेते आप, हाँ यार मैंने 50 ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा आपको, हमने 50 मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि दोनों क्वेश्चन आसपास थे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का और हाई एल्यूमिना सीमेंट का क्वेश्चन दोनों आसपास थे, और मुझे पता है हाई एल्यूमिना सीमेंट दूसरे नंबर पे था, इसलिए मुझे लगा कि कुछ मिस हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करना था। ठीक है चालू करते हैं, याद है हम इसे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है स्लैग क्या होता है, हम स्लैग में क्या ऐड करते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लंबे समय के लिए मिलती है, क्या मिलती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें लंबे समय के लिए मिलती है। ठीक है अब इसने पूछा है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की अप्रोक्सीमेटली, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका, इसने आपको कंपोजिशन पूछ ली, इसने आपसे क्या पूछ लिया, पूछ लिया आपसे कंपोजिशन पूछ लिया। सबसे पहली बात, अगर हम ब्लास्ट फर्नेस, देखो आपको ये चीजें लाइम एक्चुअली क्विक लाइम होता है सिलिका, मैंने आपसे क्या बोला, आपको ये तीनों कंपोजिशन अगर आप पूछोगे सर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का क्या, मैंने आपको यूजेस बता रखे, हाँ इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता के रखे हुए। दूसरी बात, क्या मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है क्या क्या ऐड करते हैं स्लैग में, हाँ सब बता रखा है, हम इसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया हुआ सारा का सारा। बट अगर हम बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की, इसने कंपोजिशन पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, लाइम सिलिका, एक्चुअली वो CaO लाइम तो होता है बट क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड हम बोलेंगे क्विक लाइम। ठीक है सबसे ज्यादा जो आपका परसेंटेज होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में वो होता है लाइम, कितना 34 से 43%। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली लाइम इसमें सबसे ज्यादा होता है, सिलिका 27% से 33%, एल्यूमिना 7% से 15%। तीनों का कंपोजिशन मैंने आपको लिख दिया, CaO लाइन क्या क्या कंपोजिशन होती है इसमें, सिलिका एंड आपका एल्यूमिना, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है अब देखते क्या मैच कर रहा है इसने, कंपोजिशन है, कंपोजिशन लिख दी है मैंने। ठीक है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड हमारा कितना है 34 से 43% मैच कराओ, 34 34 34 34 34 34 34, ये थोड़ा पास में लिख रहा है, हाँ ये ठीक है। अगर आप ऑप्शन वन देखोगे तो ऑप्शन वन पास में है, एक्चुअली देखो अगर हम सिलिका की बात करें तो 27 से 33% होता है, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, चलेगा आसपास है, और हमारा लाइन कितना होगा 34 से 43%, और यहाँ पर कितना लिखा है 45, तो आपका ए आंसर है, क्योंकि इसके अलावा फिर सब में देखो, देखो अगर हम दूसरा कुछ भी देखेंगे तो सब कुछ मैच नहीं कर रहा, दैट मींस ऑप्शन ए नियरली कर, ये मैंने आपको परफेक्ट कंपोजिशन बताई है, जो एक जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है वो परफेक्ट कंपोजिशन है, और उससे बेस पे आप ये वाला क्वेश्चन मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रेस्पेक्ट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी कॉन्टेंट सीमेंट, अब ध्यान से देखो ओपीसी के बारे में पूछा है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट्स, क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट्स होता है, बिल्कुल सही बात है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 10 आवर्स। नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है जनरली 28% होती है, कितनी होती है 28%। हमने कहा था कि शुरुआत में हम जब ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी होगी, क्या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी होगा फॉर द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट, तो हम शुरुआत जो करते हैं वो 28% से करते हैं, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए बताया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिखा हुआ है, ये आना चाहिए 28%। तो अगर हम बात करते हैं तो दो ऑप्शन तो सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, ठीक
ठीक है, ये मैंने बता रखा आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका है, तो आंसर वो होगा 1 and 2, 1 and 2, दैट मींस इसका आंसर क्या होगा आपका 1 and 2, ये आपका करेक्ट आंसर है, 1 and 2 आपका करेक्ट आंसर। एक सेकंड पानी में तो प्यास लग रही है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 तो हमने कर ही लिया, नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, अच्छे क्वेश्चन से हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान से देखना। और मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, जेई और ए तो कहीं जा ही नहीं रहा, आईएएस भी हो जाएगा बट आईएएस 80% हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा। इनको थोड़ा और अपडेट करूंगा तो आईएएस भी हो जाएगा, बस 20% इन लेक्चर्स को 20% अपडेट कर दूंगा तो ये आईएएस के लिए लेक्चर्स बन जाएंगे। कंसीडर, पहले अपना तो सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है, आईएएस पाईएएस को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेंड बाय, ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा कि जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, देखो अगर आप देखोगे इन्होंने आपको चार ऑप्शन दिए रखे हैं, 1, 2, 3, 4, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इन चारों में से, देखो ऑप्शन ए, देखो ध्यान से, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्शन ए क्या है, 1 and 2 में करें, ऑप्शन ये इस तरीके से चार पॉइंट जो देखे हैं उसमें से भी हमें सेलेक्ट करना है, चार पॉइंट में जो जो सही है वो आपके सामने यहां पर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, इन चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहली बात हाई अर्ली स्ट्रेंथ, देखो ध्यान से देखना, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेंड बाय, सीमेंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे बात डिस्कस करी है, क्या मैंने आपसे फाइन ग्राइंडिंग की बात डिस्कस करी हुई है? हाँ जी करी हुई है। सीमेंट के जितनी ज्यादा आप फाइन ग्राइंडिंग करोगे, जितना ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग करोगे उतना ज्यादा आपको सरफेस एरिया मिलेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ होता है, प्लस हीट भी होती है। सीमेंट को जितना ज्यादा आप फाइन ग्राइंडिंग कर दोगे, सीमेंट को जितना ज्यादा हम फाइन ग्राइंड करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, प्लस हीट ज्यादा होगी। तो देखो हाई अर्ली स्ट्रेंथ, यस अर्ली स्ट्रेंथ के लिए फाइन ग्राइंडिंग बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इसने हाई अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर, अर्ली मतलब जल्दी, जल्दी हमें स्ट्रेंथ किससे मिलती है, ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी ज्यादा भी होती है, मतलब अमाउंट में भी ज्यादा होगी और टाइम पीरियड में भी जल्दी मिल जाती है आपको, प्लस हीट भी मिलती है, हीट ऑफ वाइब्रेशन भी मिलती है। सेकंड ऑप्शन, डिक्रीजिंग द लाइन कंटेंट, नहीं भाई साहब लाइन कंटेंट तो आप घटा ही सकते हो, आपको लाइन कंटेंट तो इंक्रीज ही रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखना, लाइन कंटेंट हम घटाते नहीं है, और इसमें आपसे कोई स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कौन सा सीमेंट है। अगर ये बोलता हाई एल्यूमिना सीमेंट तो बात समझ में हल्की फुल्की आती है। यहां पर इस सीमेंट के बारे में पूछा नहीं, ओबीसी से पूछ रहा है, जब कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ आप ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर यहां पर ओबीसी भी तो नहीं लिखा हुआ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आपको ध्यान रखना है जब वो आपसे हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट जो भी पूछेगा वो नाम लिखेगा, जब नाम नहीं लिखा तो वो आपको नाम पता रखना क्या होता है ओबीसी। इसने यहां पर कुछ भी नाम लिखा तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हाई स्ट्रेंथ सीमेंट इज ऑब्टेन बाय फाइन ग्राइंडिंग, डिक्रीजिंग द लाइन कंटेंट, नो वी कैन नॉट डिक्रीज लाइन कंटेंट। बर्निंग एट हाई टेंपरेचर, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा हाई टेंपरेचर पे बर्न करोगे उतनी ज्यादा आपको अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, नहीं, जिप्सम तो रिटार्डर, रिटार्डर का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ को स्लो कर देगा, जब सेट ही नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी। देखो दो चीज होती है, एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है रिटार्डर। एक्सेलरेटर क्या करता है, जल्दी जल्दी सेट करता है, रिटार्डर क्या होता है, धीरे धीरे सेट करता है। तो जितना ज्यादा आप जिप्सम को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका स्लो सेट होगा और स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा, 1 and 3 आपका सही आंसर है, 1 and 3, 1 and 2 नॉट, ये नहीं है, 1 and 3 जो आपका आंसर होगा, 1 and 3 आपका डी ऑप्शन देख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत इजी क्वेश्चन है, द टेंपरेचर ऑफ रेंज इन सीमेंट की 1450 एक्चुअली एग्जैक्ट होता है, तो ये रेंज आप देख लो 1450 किसमें आ रहा है, इसमें 1400 आ रहा है, नहीं इसमें 1400 आ रहा है, नहीं इसमें 1400 आ रहा है, यस ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो द टेंपरेचर इन सीमेंट भट्टी, सीमेंट की भट्टी में जो टेंपरेचर मेंटेन करते हैं हम लोग ताकि मटीरियल एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाए, मिक्स हो जाए, वो होता है 1450। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, बिफोर टेस्टिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, क्या लिखा है इसने, इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फाइनल सेटिंग टाइम हो या कंप्रेसिव टेस्ट हो या साउंडनेस टेस्ट हो
इन सारे टेस्ट से पहले कौन सा टेस्ट कंडक्ट होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे टेस्ट की बात अगर हम करते हैं, इनिशियल टेस्ट, फाइनल टेस्ट, है ना, साउंडनेस या कंप्रेशन, इन सारे टेस्ट से पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमें बताता है कितना, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ही हमें बताएगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए, और उस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर से ही हम लोग ये सारे टेस्ट करते हैं। तो देखो उसने पूछा है कि सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम से पहले हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चर, अब ये देखो कंपोजिशन क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन मैंने आपको 100 बार बता दी। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शंस, कंपोजिशंस क्या क्या होती है और प्रोपोर्शंस क्या, उसके सामने क्वेश्चन करा हुआ है 100 बार, उस क्वेश्चन को नहीं लेंगे, ठीक है। कंपाउंड विच रिएक्ट इमीडिएटली, कंपाउंड विच रिएक्ट इमीडिएटली, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो कौन होगा आपका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सबसे पहला आपका क्या रिएक्ट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसका क्या करता है, ट्राई, मैं बता देता हूं बार अगर आपको हट पड़ेगी, जब बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होता है सबसे पहले C3A करता है, फिर C3S करता है, फिर C2S करता है, है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर साइज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, द प्रॉपर साइज, अब देखो अगर आपको इसके 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 प्रीवियस लेक्चर की बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे इसके प्रीवियस लेक्चर की बात डिस्कस करूं, तो मैंने आपको बताया था कोई भी टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। और बच्चे अभी मेरे से क्वेश्चन मांग रहे हैं, अरे भाई साहब क्वेश्चन पहले कंप्लीट तो करा दो, सभी एक साथ देंगे ना, अभी आप अभी से क्वेश्चन मांग रहे हो, अभी तो मेरे को क्वेश्चन इसमें 50-60 क्वेश्चन और कराने, 50-60 नहीं, अभी तो 60 में पूछे ना, मेरे को अभी इसमें 70-80 क्वेश्चन और कराने, शायद 50 तो कराने कराने, 70-80 का पता नहीं, हो सकता है 70-80 पहुंच जाए। यार मैं अपनी जवान पे तो टिक हूं ना, मैंने क्या बोला, हम में एक कमी है, मैं इरेगुलर हो जाता हूं, बट कितना भी मैं इरेगुलर रहता हूं मेरे को प्रेशर रहता है कि यार बच्चों को जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा नहीं कि चलो फटाफट इसको, आपको पता है आप लोग बहुत तो बोलते हो सर जल्दी पढ़ा दो जल्दी पढ़ा दो, हाँ मैं बिल्कुल जल्दी पढ़ाना चाहिए, मैं प्रेशर में आता नहीं, क्योंकि अगर मैं प्रेशर में आऊंगा ये सीमेंट है ना मैं खत्म कर सकता हूं और आगे फिर मैं अपना सर्वे स्टार्ट कर सकता हूं या दूसरा सब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो स्टार्ट कर सकता हूं, बट यार मैं नहीं करूंगा। जो क्वेश्चंस हैं मैं अपनी हर एक लेक्चर में एक जवान देता हूं कि भाई इसी से क्वेश्चंस आएंगे, तो या तो वो जवान झूठी हो जाएगी फिर, कि भाई जो आप जवान देते ना हम लोग, वो झूठी हो जाएगी कि सर आपने जो बोला था इसमें से कुछ आएंगे, वो तभी पॉसिबल है जब मैं आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊं, इतनी थ्योरी पढ़ाई उसके बाद इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो फिर तभी मजा आएगा ना उसको पढ़ने में, बड़ा मजा क्या आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड, देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्क्रीट और सीमेंट, इन दोनों में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत तगड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों, कंक्रीट की जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं तो उसका जो मोल्ड होता है, जो क्यूब होता है, उसका साइज क्या होता है, 150 × 150 × 150, बट सीमेंट में ध्यान से देखना, कंक्रीट में जो हम मोल्ड साइज क्यूब होता है, क्यूब कंक्रीट में जो मोल्ड होता है ना उसका साइज क्या होता है, 150 × 150 × 150, बट जो सीमेंट का मोल्ड होता है ना, बच्चा से बहुत कंफ्यूज होता है, उसका साइज होता है 70.6, आप ध्यान से देखो यहां पर सेंटीमीटर्स में हमारा mm होता है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कंक्रीट का मोल्ड का साइज, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में यूज डिटरमाइन करते हैं, कंक्रीट का जो साइज होता है वो 150 × 150 × 150 होता है, बट अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं तो सीमेंट का जो मोल्ड होता है वो क्या होता है, 70.6 × 70.6 × 70.6, ये आप लिख लेना एक बार कंफ्यूज ना हो जाओ, और वो एमएम में, तो यहां पर ये आपका आंसर ए बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है, इसको लिखो यार ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा पानी पी लूं यार, मैं पानी, मुझको प्यास बहुत लगती है, गर्मी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस हो ही हैं जो आएंगे या आते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से घूम सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहली बात स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जब भी हम दो मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है। लाइक अगर सीमेंट है, सीमेंट को हम वाटर की डेंसिटी से, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर,
वाटर की डेंसिटी से जब हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स याद आ गया, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर मैं आपसे बोलू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितनी मिलती है तो 3.1 से लेके 3.16 ग्राम पर सीसी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हम करते हैं तो 3.1 से लेके 3.1 ग्राम पर सीसी। बट इन केस अगर आपने ये इन नॉर्मल कंडीशन जो बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता, इन नॉर्मल वेदर, बट इन बैड वेदर, मान लो कोई ऐसा जगह है जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, देखो ध्यान से देखना ये बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता, बट अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर वेदर बहुत खराब है और उसकी वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, सीमेंट के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सीमेंट के जो वॉइड्स होते हैं वॉइड्स के अंदर पानी आ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो सीमेंट के अंदर जो वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपका पानी आ जाएगा, तो उस कारण क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इन नॉर्मल वेदर स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो रेंज है वो है 3.1 से लेकर 3.16, बट अगर कोई आपका बैड वेदर है ह्यूमिडिटी के कारण तो क्या होता है वॉइड्स के जो सीमेंट के वॉइड्स होंगे या पोर्स होंगे उसके अंदर पानी घुस जाता है, जिस कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, कितनी आती है 3.19। या वो बुक्स में कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता नहीं है, मैं बता रहा हूं इसको पढ़ लो। अब देख लेते हैं इसने कुछ मेंशन तो करा नहीं है, नॉर्मल वेदर है या आपका ग्राम पर सीसी है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की टर्म्स में हमने देखा, ठीक है। अब अगर आगे की बात डिस्कस करें तो देखो 4.92 नहीं, 2.10 नहीं, 1.75 नहीं, इस रेंज में एक ही आ रहा 3.15। अगर हम इस रेंज की बात करते हैं तो इस रेंज में आपका एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा 3.15, क्योंकि 3.1 से लेकर 3.16 होती है इन नॉर्मल वेदर और इन बैड वेदर आपका 3.19। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, वैसे मैं आपको एक सारी सारी चीजें बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज। सबसे पहली बात, इसमें आपको कोई भी ग्रेड मेंशन नहीं करेंगे, कौन कौन सी ग्रेड होती है 33, 43 एंड 53। हमने इसकी थर्ड डे, सेवंथ डे, 28 डे सारी स्ट्रेंथ पढ़ी हुई है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने आपको स्ट्रेंथ नहीं, मतलब कोई भी ग्रेड नहीं देकर रखी हुई है, बट इसने आफ्टर मेंशन किया था तीसरे डे। अगर मैं 33 ग्रेड की बात करता हूं तो क्या आती है 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर मैं 43 ग्रेड की बात करता हूं तो 43 ग्रेड की कितनी आती है 23 एंड 53 की 27, और ये सारी सारी इसमें न्यूटन पर एम स्क्वायर है। इसने आपसे क्या पूछा है ध्यान से देखना, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पहली बात उसने थर्ड डे की बात करी है और इसने यूनिट चेंज कर दी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसने किसमें कर दिया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं 16 की बात करूं तो कन्वर्ट कर लो, किसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन और केजी में कन्वर्ट करो, है 10 न्यूटन 1 केजी, तो इसे 10 एमएम स्क्वायर को, ठीक है 16, 23, 27। अब आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करना, मैं तो कन्वर्ट कर नहीं रहा हूं, न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना देखो, और आप चाहो तो मिनिमम वैल्यू दे सकते हो, है ना, ये आपको सारे सामने वैल्यू वाली लिखी हुई है न्यूटन, ये थोड़ा काम आप भी करो, है ना, मैं नहीं करूंगा। न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करो, पता ही आपको न्यूटन केजी रिलेशनशिप, और एमएम स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ टाइम ट्राइग्रेशन एलिमिनेट, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट्स, हाँ अगर हम बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की तो भाई साहब मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट ही, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट का, सीमेंट का सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, आप बोलोगे सर लाइम, और लाइम के बाद क्या होता है आपका सिलिका। तो अगर हम बात, देखो तीन चीजें लाइम सिलिका एंड एलुमिना, बट लाइम और सिलिका आपका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एलुमिना। तो अगर हम बात करते हैं द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, आंसर क्या होगा आपका लाइम एंड सिलिका, ठीक है 65। हाँ, गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
अगर हम बोक्स कंपाउंड के बात में बारे में बात करते हैं, C3A, C3S एंड C2S, अगर हम बोक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं, अगर हम बोक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो क्या क्या होता है बोक्स कंपाउंड? C3A, C3S एंड C2S। अब इसमें क्या पूछा है, किसी भी अच्छे क्वालिटी सीमेंट लिए, मतलब सीमेंट में जो सीमेंट है आपका उसमें इन तीनों में से, क्योंकि इसने तीनों ऑप्शन क्या बॉक्स कंपाउंड देकर रखे हुए हैं आपके। अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में जो आपका सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि ये फायर स्ट्रेंथ लंबे समय तक जो स्ट्रेंथ देता है आपको वो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट ही देता है। लंबे समय तक जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट से मिलती है। ध्यान रखना किसी भी गुड क्वालिटी सीमेंट में आपका सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, लाइन के आगे, ये गलत क्वेश्चन है, देखो द कॉमनली यूज लाइन, इसके बाद हम लाइन कराएंगे। लाइन के क्वेश्चन भी मैंने टीम को छाट कर दे दिए हैं, लाइन क्वेश्चंस भी मैंने जो पीडीएफ ये बनाता है वो मैंने दे दिए हैं, उसने गलती से लाइन क्वेश्चन इसमें डाल दिया, तो लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है कि लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाइन से क्या आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ जी, वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर बैग ऑफ सीमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर बैग ऑफ सीमेंट। देखो वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग इज इक्वल्स टू 50 केजी, एक बैग में कितना आपका सीमेंट होता है, सीमेंट का एक बैग में कितना सीमेंट, मतलब सीमेंट में एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है, 50 केजी। और अगर हम ये पूछे कि सीमेंट के बैग का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग वो कितना होता है, 34.722 liters। सीमेंट के वॉल्यूम का, सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग इज 34.722 liters, बट हम क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, और राउंड ऑफ करके हम इसको लिख देते हैं 35 liters। हम क्या करते हैं इसका फाइनल कर लेते हैं, हम फाइनली जो हम राउंड ऑफ करते हैं 35 liters। अब आपने देखना वाटर सीमेंट, वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट, आपको एक मैंने टर्म पढ़ाई थी वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो क्या होता है जनरली 0.45 से 0.60, इसको कुछ कुछ बुक्स में 0.4 से 0.6 भी लिखा हुआ है, वो भी गलत नहीं है, मतलब आप जनरली का दो रेंज ले सकते हो, 0.4 से लेकर 0.6। अब ध्यान से देखना भाई वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, W by C। अब ध्यान से देखना हम मिनिमम पकड़ लेते हैं 0.4 is equals to 0.4, ठीक है। सीमेंट का वेट कितना है, अब इसने क्या पूछा वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है, 50 केजी। एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है, 50, तो वेट ऑफ सीमेंट मतलब 50। आप ध्यान से देखना, सॉरी ये तो वाटर है, दिस इज वाटर एंड नीचे क्या है सीमेंट, तो वाटर को हमें फाइंड करना है, नीचे सीमेंट का कितना वेट है 50 इज इक्वल्स टू 0.4 से लेके 0.45, एक्चुअली 0.45 रख सकते हो, मल्टीप्लाई करना क्या आंसर आ रहा है, पहले 50 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, मेरे मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है यार, 20 लीटर कितना आ रहा है, 20 लीटर। और 0.45 से जो हमने पढ़ा है हमेशा मिनिमम जो हम रखना चाहिए, 0.45 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को आंसर आ रहा है 22.5। मेरा आंसर क्या आ रहा है, 22.5। देखो मैंने आपको दोनों चीजें करके दिख रही, मैंने तो आपको यही रेंज बताई दी है 0.45 से 0.60, कुछ बुक्स में ये रेंज यहां पर भी लिखी हुई है, बट मैं इस रेंज को मानता नहीं हूं, मैंने इस रेंज, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर 0.45 एक्चुअली 0.4 भी ठीक है, 0.45 भी ठीक है, बट 0.45 ज्यादा ठीक है, जो आंसर आपका बैठना चाहिए ना वो 0.45 ज्यादा बैठना चाहिए, ठीक है भाई। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि 0.45 आपको ध्यान रखना है, 0.4 भी ध्यान रखना, कोई बुरा नहीं है, किसी ऑप्शन में आता है 0.4 से 0.6 तो आप टिक करके आ जाना, कोई बुरा ही नहीं है इसमें। अब देखो हमने जब 0.45 को सीमेंट के वेट से मतलब मास से मल्टीप्लाई करा, 50 इंटू जब मैं 0.45 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 22.5 लीटर। ये लिख लो आप पे, ये जरूर यार ये लिख लो, क्वेश्चन करते हैं नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका नीचे नहीं करते, अच्छा 22 लीटर दे ही रखा इसने, इसने तो 22 लीटर कहीं देके ही रखा हुआ, इसने क्या माना है, हाँ अगर देख सकते हो तो इन्होंने 22 लीटर कहीं पर देके नहीं रखा हुआ, तो अब आप देख लेना, क्योंकि मेरे पॉपकॉर्न में 22.5 आंसर है और 22.5 इन्होंने कहीं देके रखा हुआ नहीं है।
800 तो 22.5 ही है, तो ठीक है 28 मानेगा, 28 kg मान लो यार, देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो इसका 22.5 liters है, बट इसमें देख नहीं रखा हुआ। चलो इस क्वेश्चन को फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डिनरी पोटेट सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहते हैं? इन ऑर्डिनरी पोटेट सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट इज ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट, क्वेश्चन नंबर 69। अभी मैंने आपको जस्ट बताया वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग इज इक्वल टू 34.722 liters है ना, और एक क्यूबिक मीटर में 1000 liters होते हैं, एक क्यूबिक मीटर में 1000 liters होते हैं, और यहां पर देखो क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, व्हाट इज CUM, क्यूबिक मीटर्स। तो जो भी मेरी आंसर आता है उसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मेरे को क्यूबिक मीटर में चाहिए तो, है ना, अगर मुझे क्यूबिक मीटर में चाहिए तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वो अभी लीटर्स में बताया, तो 34 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करूं 0.034722 क्यूबिक मीटर्स। तो आप देख लो इसका आंसर क्या है, आपके सामने यहां दिख रहा है 0.037 into 0.0347, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी। लीच एंड्रिल किस लिए होता है? साउंडनेस के लिए होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन फॉर, देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसमें करता था, वाइगेट एपरेटस, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, आप ऐसे में सुना, देखो लीच एंड्रिल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, साउंडनेस के लिए होता है। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, चाहे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हो, चाहे इनिशियल सेटिंग टाइम हो, चाहे फाइनल सेटिंग टाइम हो, सबके सब हम किसमें टेस्ट करते हैं, हम करते हैं वाइगेट एपरेटस में, इसमें करते हैं वाइगेट एपरेटस में, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लेना इन चीजों को, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये मैं हर बड़ी में तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो जेई के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, और आपने अगर इनको इग्नोर कर दिया, छोटी से छोटी गलती, लीच एटेलियर हो गया, ठीक है, ये ब्लेन्स अगर हम बात कर रहे हैं ब्लेन्स की, भाई ये सारे के सारे हमने साउंडनेस फाइननेस या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम सबके पढ़े, इजी इजी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस करा हुआ है 28th डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इस टेस्टेड ऑन 70.7 mm 70.6 70.8, ठीक है, ऑफ मोर्टार। पहली बात तो हम ओनली देखो जो हम सीमेंट की कंप्रेसिव, जैसे अगर हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, कंक्रीट की जो हम सीमेंट, जैसे मान लो आपका हमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी है और हमें इसकी 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है, तो M20 क्या होती है, एक डेढ़ सीमेंट सैंड एग्रीगेट, भाई M20 ग्रेड क्या होता है, एक डेढ़ तीन, ठीक है। सीमेंट क्या है 1 kg है, सैंड क्या है 1.5 kg है, और एग्रीगेट क्या 3 kg है। कंक्रीट में सीमेंट भी होता है, सैंड भी होता है, एग्रीगेट भी होता है, बट जब हम सीमेंट की बात, जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो तीनों होते हैं कंक्रीट में, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर, बट अगर हम सीमेंट की बात करते हैं और सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट में आपका ओनली होता है सीमेंट एंड सैंड, और जब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो क्या होता है, सीमेंट हम लेते हैं 200 ग्राम, टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं सैंड लेते हैं 600 ग्राम। आप देखना मैंने आपको इससे कंप्रेसिव टेस्ट कराया हुआ है, तो मैंने आपको उसमें ये वेट बताया कि जब हम उस मोल्ड में, क्योंकि मोल्ड क्या है छोटा सा है 70.6 mm का है, तो मोल्ड है छोटा सा, तो उसमें मैं लेते हैं 200 ग्राम को सीमेंट लेते हैं और 600 ग्राम लेते हैं सैंड, तो अगर आप देख सकते हो तो रेशियो बनता है 1:3, जैसे ये ना 1.5 3, तो यहाँ पर क्या होता है 1:3, तो देख लो 1:3 यहाँ पर देखे रखा हुआ है आपका सी ऑप्शन। तो याद रखना पहली बात तो आपको क्यूब साइज, और कितने क्यूब्स लिए जाते हैं, 3 क्यूब्स लिए जाते हैं, और इनका हम एवरेज निकालते हैं कितने, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। पहली बात देखो ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो कितना वाटर कंटेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं ऐसे P/4 + 3% व्हाट इज पी, जो कंसिस्टेंसी में पानी आया था, देखो ध्यान से देखना बहुत अच्छा है ये,
इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर हम सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सबसे पहली बात, कितना पानी चाहिए, जो भी नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में पानी आता है उसका 4 करो + 3 करो, ये परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास जो आप सीमेंट और सैंड के इसमें ऐड करोगे। पहले बात तो ये क्वेश्चन। दूसरा, मोल्ड साइज क्या होता है, 70.6 या 70.7 mm size cube, ठीक है, 70.6 इसका आंसर, ठीक है। कितने की यूज चाहिए, 3 यूज चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया, कि भैया क्या क्या एग्रीगेट होते हैं। अगर हम बात कंपोजिशन होती है, ये तीसरा क्वेश्चन है, सीमेंट, जब हम सीमेंट की कंपोजिशन को टेस्ट करते हैं ना, तो ओनली सीमेंट नहीं होता, सीमेंट प्लस सैंड होता है, मतलब मोटा होता है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, इसके बाद मेरा लाइम छोटा हुआ है, मैं लाइम चालू करूंगा, हमें कॉन्क्रीट के भी क्वेश्चंस करने हैं। लाइम और कॉन्क्रीट के अलावा आपको जो लगता है कि सर आप इसके क्वेश्चंस करा दो, आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, अगर मैंने करवाए हुए नहीं होंगे तो। अगर आपको बीएमसी में लग रहा है कि लाइम और मोर्टार, सॉरी लाइम और कॉन्क्रीट के अलावा सर आपको और क्वेश्चंस कराने, मैं आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा, आप बस मुझे टॉपिक बता देना, क्योंकि आजकल क्या है, जेईई के एग्जाम से बीएमसी बहुत ज्यादा आ रहा है। जो आप टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस वो टॉपिक आप मुझे बता देना, लाइन में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्क्रीट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके अलावा और कुछ बच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो टिम्बर विम्बर ब्रिक विक तो हम स्टोन स्टोन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा और क्वेश्चन तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट सैंड, प्लस लास्ट क्वेश्चन क्या रेशियो होता है, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड पे, बच्चा का क्वेश्चन है, 43 ग्रेड की 28 मिलीमीटर स्ट्रेंथ क्या होती है, 43 आती है, 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बच्चा वाला क्वेश्चन भाई, 43 ग्रेड की, 43 ग्रेड की क्या होती है स्ट्रेंथ, 43 तो होती है 28 मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट द फर्स्ट वन टू सेट ट्राइगैल्शियम एलिमेंट, व्हाट फर्स्ट वन टू सेट ट्राइगैल्शियम एलिमेंट, ठीक है, द फर्स्ट कंपाउंड टू सेटल इन सीमेंट ट्राइगैल्शियम एलिमेंट, बट वही क्वेश्चन ट्राइगैल्शियम एलिमेंट क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following box compound, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, उसको पूरा लिख लेना। Which of the following box compound liberates maximum heat of hydration? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, C3S जनरली ट्राइगैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रोल नहीं होता ज्यादा, एंड C2S। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, तो ट्राई कैल्शियम, देखो सबसे पहली बात तो हीट ऑफ एनर्जी किसमें रिप्रेजेंट होती है, आपने एनर्जी सुना है ना, एनर्जी किसमें रिप्रेजेंट होती है, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी, सर एनर्जी कैलोरी में, तो दैट मींस हीट ऑफ एडिशन करते हैं कैलोरी पर ग्राम्स में। अब ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत कम समय के लिए होता है, अगर मैं बोलूं तो शुरुआत के एक दिन में होता है। देखो देखो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योरिंग, क्योरिंग किसके लिए करनी पड़ती है, अगर आप सोचो क्योरिंग किसके लिए करनी पड़ती है, जनरली इन भाई साहब के लिए, इनके लिए तो करनी करनी है, बट ये तो एक दिन में खत्म हो जाते हैं, शुरुआत के कुछ घंटों में 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा ये एक्टिव रहते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं। बट क्योरिंग जो इतने दिन तक चलती है ना, कि 14 दिन चल रही है, 21 दिन चल रही है, वो ये भाई साहब है, इन भाई साहब की वजह से क्योरिंग लंबी चलती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये बात डिस्कस करूं कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका निकलता है, तो नो डाउट वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का है, कैलोरीज पर ग्राम, बट ये बहुत लेस टाइम के लिए होता है, ये बहुत गंदा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब अगर उसके बाद अगर मैं देखो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम समय के लिए निकलती है, अब देखो शुरुआत में कंक्रीट बहुत हीट लिबरेट करता है, वो ट्राई कैल्शियम एलिमेंट की वजह से करता है, बट अगर आप, मैं आपसे बात करूं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 120 कैलोरीज पर ग्राम, अगर ट्राई कैल्शियम के लिए क्या करें तो 60 कैलोरी पर ग्राम। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो देखो आप बोलोगे सर वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्राइड, उसकी 100 ग्राम होती है, बट उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, उसकी भी होती है 100 कैलोरी पर ग्राम, तो उसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक अच्छे सीमेंट में, ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ए होना चाहिए, बट एक्चुअली C3A का स्ट्रेंथ में रोल नहीं होता। अगर हम बोले कि सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ किस
किस बॉक्स कंपाउंड की वजह से गेन करता है? एक तो C3S और दूसरा C2S। दैट मींस आप देखोगे थर्ड डे, सेवंथ डे, 21th डे या 28th डे, ये जो स्ट्रेंथ आती है ना वो इन दोनों भाई साहब की वजह से आती है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहां से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा C3 करता है, बट ये बहुत लेस टाइम के लिए करता है, इसलिए इसको एक्चुअली मेरा अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर यही होता है, बट इसको करेक्ट आंसर माना नहीं जाता। करेक्ट आंसर तो यही है, ट्राइग्लिसरेरिड लिबरेट सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, 200 कैलोरीज पर ग्राम। बट इसका सही आंसर बुक्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, और मैं एग्जाम में एग्जामिनेशन में आपसे पंगा नहीं करवाना चाहता, बुक्स के अकॉर्डिंग वो इसको टिक करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखो स्ट्रेंथ तो लिखते नहीं है लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कह दिया स्ट्रेंथ, बट होता क्या है ट्राइग्लिसरेरिड सिलिकेट को ये लोग मान के चलते, क्योंकि भाई देखो C3 तो बहुत कम समय के लिए आता है, चल जाता है, उसके बाद जो रोल में आता है ट्राइग्लिसरेरिड सिलिकेट आता है, उसकी कितनी होती है 120 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका आंसर जनरली C3S आता है, मेरा अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में आपको पास करवाना है तो थोड़ा तो हमें एग्जामिनर की तरीके से भी चलना पड़ेगा। लिख लो, लिख लो, ये जरूरी आपके लिए, लिख लो, लिख लो इसको, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, C3S जैसे आपने बोला कि बहुत कम समय, देखो मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बॉक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की परसेंटेज बताई थी। सबसे ज्यादा जो बॉक्स कंपाउंड बनता है वो किसका बनता है, ध्यान से आप देखना, C3S बॉक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा अमाउंट बनता है 30% से लेके 50%। जो बॉक्स कंपाउंड बनते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉक्स अमाउंट बनता है वो C3S बनता है 30-40 से 50%। अगर मैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करूं तो ये बहुत कम बनता है, ये बनता है 8% से। ये दोनों चीज आपको रिलेट करनी पड़ेगी, 8% से 12%। ध्यान से देखना, C3A 8% से 12% जब बनता है कम समय के लिए बनता है, और कम समय पर आपका थोड़ा सा हीट ऑफ, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन देखिए चल जाता है। C3S जो बनता है वो 30% से 50%, जब देखो बॉक्स कंपाउंड पानी मिलाने के बाद बनते हैं, रिएक्शन जब बनती है तब बॉक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, पहले नहीं होते ये, ये बाद में बनते हैं पानी मिलाने के बाद। और इसमें सबसे ज्यादा जो बॉक्स कंपाउंड बनता है वो C3S बनता है, क्या बनता है आपका C3S। अगर हम C2S की बात करें तो 20% से 45%। तो एक्चुअली होता क्या है, ये इसका आंसर है ना इससे कर लेते हैं, देखो ये तो बहुत कम बन रहा है इसलिए फटाफट रोल में आके खत्म हो जाता है, लंबे समय के लिए जब हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है इसलिए इसका आंसर ही C3S कर लेते हैं। बट मैंने आपको क्या बोला कि मुझे तो इसका आंसर C3A लगता है, क्योंकि देखो चाहे कुछ कम समय के लिए उसने हीट ऑफ हाइड्रेशन दी हो, बट जितनी भी उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, बट आंसर इसका C3S ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया 0.85 वाला, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या था 0.85। हाँ अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जिप्सम यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें होती है भाई साहब, क्या क्या होती है सर, एक होता है आपका एक्सेलरेटर और एक होता है आपका रिटार्डर। इन दो शब्दों को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस कर करके थक जाओगे कि सर कितने क्वेश्चंस है, बट क्या कर, क्वेश्चंस तो ऐसे कराने हैं ना कि जो आपको हमेशा के लिए काम आए, हर एग्जाम में आए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिप्सम यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स, तो दो चीजें होती है, एक होता है एक्सेलरेटर, दूसरा होता है रिटार्डर। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, ज ल दी ऐसे लिखते हैं, जल्दी जल्दी कैसे लिखते हैं यार, ऐसे ऐसे लिखते हैं, मैं तो भूल भी गया यार, जल्दी बहुत दिनों से लिखी नहीं। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी सेट हो जाए, सेट हो जाए, कितने महीने सालों बाद में हिंदी लिखा हो, जबकि हिंदी तो आनी चाहिए, मतलब हिंदी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है कि जल्दी जल्दी सेट होता है सीमेंट या कॉन्क्रीट। रिटार्डर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे कैसे लिखते हैं, धीरे धीरे, भाई देख लेना, मैं भूल गया हूँ, मैं सालों बाद हिंदी लिख रहा हूँ और मेरी हिंदी की रेडिंग आपने पहली बार देखी होगी, सेट हो जाए, यार कितने दिन हुआ, जबकि इसको तो रेगुलर मैं तो बोलता हूँ हिंदी में आपको प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, अब हमारी लैंग्वेज है यार, हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बट मैं माफी मांगूंगा इसके लिए कि शायद गलत लिखा हो।
एक्सेलरेटर का काम क्या होता है कि जो भी आपका कंक्रीट या जो भी आपने कंक्रीट, एक्चुअली देखो सीमेंट से हम कंक्रीट ही जनरली यूज करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, मोर्टार तो हम बहुत कम यूज के लिए करते हैं, मोर्टार बहुत कम यूज करते हैं, वो तो फिनिशिंग वर्क के लिए हो गया। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है, जल्दी जल्दी सेट हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो 30 मिनट या आपने 10 घंटे का टाइम देखा ना इनिशियल सेटिंग टाइम वाला सेटिंग टाइम, ये थोड़ा कम हो जाए। रिटार्डर का काम क्या है, धीरे धीरे करना। अगर मैं आपसे पूछूं रिटार्डर धीरे धीरे से सेट होता है, देखो आपको रिटार्डर्स के नेम भी याद रखने पड़ेंगे, क्या सोडियम ग्लूकोनेट, जिप्सम एंड शुगर, ये तीन मटेरियल्स ऐसे हैं, सोडियम ग्लूकोनेट, जिप्सम एंड शुगर, जो इनिशियल सेटिंग टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं कि जल्दी जल्दी सीमेंट सेट ना हो जाए, धीरे धीरे सेट हो, आराम से सेट हो। और अगर हम एक्सेलरेटर की बात करते हैं तो एक्सेलरेटर का मतलब ये जल्दी जल्दी सेट हो और फिर वो इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी जल्दी आ जाए, मतलब जल्दी जल्दी सेट, 30 मिनट की जगह 15 मिनट में आपने सेट कर दिया, तो इनको बोलते हैं हम एक्सेलरेटर्स, जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो 30 मिनट होता है उससे भी कम से सेट, लाइक 15 मिनट में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। और सबसे मेन एक्सेलरेटर, जबरदस्त क्वेश्चन आता ही है, सबसे मेन एक्सेलरेटर क्या है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट। रिटार्डर मतलब जो धीरे धीरे सेट हो, इनिशियल सेटिंग टाइम लेट आए 30 मिनट 40 मिनट। कौन कौन से होते हैं रिटार्डर्स, सोडियम ग्लूकोनेट, जिप्सम एंड शुगर। और वही पर अगर हम बात करें तो सबसे तगड़ा एक्सेलरेटर कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सोडियम और सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड आप लिख ले रहा है यार, गलत हो गया। वैसे कैल्शियम क्लोराइड नहीं भी याद रखोगे देखो कुछ जरूरत नहीं है, बट एल्यूमिनियम सल्फेट तो रखना ही है। और भी होता है रिफाइंड सिलिकेट्स, रिफाइंड सिलिकेट्स, ये सबसे पहले आप लिखो, इन दोनों की डेफिनेशन लिखो, आप भूलोगे, मैंने तो लेक्चर से पढ़ाया हुआ है, बट आप हो सकता है भूल जाओ। एक्सेलरेटर जो कंक्रीट को या सीमेंट को जल्दी जल्दी सेट कराए, रिटार्डर्स जो धीरे धीरे सेट कराए, रिटार्डर्स से सोडियम ग्लूकोनेट, जिप्सम एंड शुगर ये रिटार्डर्स हैं, और एक्सेलरेटर जो जल्दी सेट कराए, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। आगे का टॉपिक चालू करते हैं। अब जिप्सम क्या है, जिप्सम भाई सब रिटार्डर है। 78 का आंसर क्या होगा आपका, डी, जिप्सम इज रिटार्डर। 79 Which one of the high question भी अच्छा है। Which one of the following cement is suitable for the urgent repair? जब भी urgent repair आ जाए ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी urgent repair की बात आती है, तो हमारे दिमाग में क्या घूम जाता है? अब ध्यान से देखना, urgent repair की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी अर्जेंट फटाफट करना है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर मैं बात करता हूं कंक्रीट, देखो डैम्स की बात करते हैं ना, तो डैम्स में यूज क्या होता है, लो हीट सीमेंट, क्योंकि बहुत अमाउंट में कंक्रीट होता है। बट लो हीट सीमेंट क्या होता है, धीरे धीरे सेट होता है। लो हीट सीमेंट में क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है, तो हम लो हीट सीमेंट का वेट नहीं कर सकते, तो हमें फटाफट रिपेयर करना है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। ठीक है, अर्जेंट का मतलब फटाफट, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हाँ, अब देखो दो क्वेश्चंस अलग अलग आए। जब अर्जेंट रिपेयर की बात हुई तो रैपिड हार्डनिंग यूज करेंगे, और जैसे कि मैंने उसी क्वेश्चन में आपको बताया, जब बहुत बड़ा मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हमेशा क्या यूज होता है, लो हीट सीमेंट, स्टैंडर्ड सीमेंट जो है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जब बहुत सारा कंक्रीट यूज कर रहे हो, और अगर आपने रैपिड हार्डनिंग कर लिया, तो रैपिड हार्डनिंग में इतनी हीट आ जाएगी हाइड्रेशन की, और अगर आपने, क्योंकि इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, श्रिंकेज आ जाता है, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन करोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या जाएगा, श्रिंकेज आ जाएगा आपका, और श्रिंकेज से क्या होगा आपको पता है, कंक्रीट हमारा क्रैक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो आप बाद में करेंगे, हो गया आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, बाय बाय, क्यों नहीं क्वेश्चन कल करेंगे इसको, बाय बाय।